हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से मैं आप सभी लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट माना जाता है और इसी कंटेंट का ट्रेंड आज यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसका नाम है एजुकेशन चैनल्स। दोस्तों, एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पर कैसे बनाया जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कंटेंट और एक मुद्दा है जो बहुत ही ट्रेंड करता है यूट्यूब चैनल पर इस वक्त में, इस समय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है यूट्यूब पर और इसके बारे में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए ताकि आप बहुत ही जल्द आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सके। एजुकेशन यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आपको कौन सी रणनीति इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे वीडियो बनाने चाहिए, अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं हो या आप इसके बारे में सही रणनीति नहीं बना पाते तो दोस्तों आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और आप निराश होकर अपने यूट्यूब चैनल बंद कर देते हो। और दोस्तों, मेरा पर्सनली, मेरा खुद का ये ओपिनियन है और एक सुझाव है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत से शिक्षकों को अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपने विषय के बारे में अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों, इसका बहुत ही ज्यादा फायदा छात्रों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को हो जाता है और आने वाले भविष्य में आपके लिए ही बहुत ही बेहतर और अच्छा सुझाव है कि आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सके। आप शिक्षक हो तो आपको ये जानना चाहिए कि आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। आज के इस इंटरनेट के वक्त में चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, आंखों से पढ़कर कोई भी चीज समझना नहीं चाहता। अगर आप उसको एक वीडियो बनाकर दे देते हो तो वो बहुत ही जल्दी समझ जाता है और इसीलिए वीडियोस देखकर समझने में लोगों की रुचि ज्यादा हो रही है और इसी कारण एक बेहतर, एक कामयाब यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है और उससे आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ग्रो कैसे पाया जाता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। आपको वीडियोस कैसे बनाई जाती है ये समझ लेना चाहिए। आपको कौन सी रणनीति अपनानी है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, आपके एजुकेशन वीडियोस के यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही आसान से टिप्स जिनके कारण आपके चैनल्स को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकोगे वो बताना चाहता हूँ। एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, उससे कामयाब कैसे बनाया जाता है और सफल एजुकेशन यूट्यूब चैनल कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत से आसान और सिंपल से टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप बहुत से विषय विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कौन से विषय में सबसे ज्यादा रुचि रखते हो, आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है। तो आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल के लिए उसी विषय को, उसी सब्जेक्ट को चुनना है। अगर आप एक ही विषय लेते हो और एक ही विषय से वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हो तो छात्रों में, विद्यार्थियों में अगर चर्चा हो जाती है तो आपके वीडियोस उनके लिए एक बहुत ही बेहतर पर्याय होता है, क्योंकि आप एक ही विषय की वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हो। आपके एजुकेशनल YouTube चैनल के लिए एक सब्जेक्ट, एक विषय चुनते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए विशेष स्टूडेंट को चुनना है, एक विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट को चुनना है। अगर आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो जिस तरह आपने आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए एक विशेष विषय चुना है, सब्जेक्ट चुना है, वैसे ही आपको एक या दो, ज्यादा से ज्यादा दो ऐसे कक्षा चुनने हैं। जिस तरह आपने आपके YouTube चैनल के लिए एक विशेष विषय चुना है जो आपको पसंद है, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस विषय के साथ आपके व्यूवर्स को भी चुने, आपके स्टूडेंट को भी चुने। तो अगर आप 10वीं कक्षा के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड ही वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने चाहिए, ना कि 7, 8, 9, 11, 12 ऐसे दूसरे कक्षा के वीडियोस आपको आपके YouTube चैनल पर अपलोड करने चाहिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट चुनते हो तो आपको ये भी तय करना है कि आप कौन से व्यूवर्स के लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए आपके YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करोगे, यानी कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपके YouTube चैनल पर आप वीडियोस
अपलोड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए आपका गणित सब्जेक्ट चुना है, तो आपको 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने चाहिए, ना कि 6, 7, 5, 7, 8, 9 या 11, 12 ऐसी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपके वीडियोस अपलोड करने चाहिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट चुनते हो, एक ही कक्षा के विद्यार्थी चुनते हो, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है विद्यार्थियों के लिए कि हाँ, ये YouTube चैनल इस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, इस सब्जेक्ट के लिए है, और आपके व्यूअर्स बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप बहुत आसानी से बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट चुन लिया हो तो आप एक सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 वीडियो बना सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि एक सफल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, एक अच्छा और बहुत बेहतर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको 15, 10, 20 वीडियो काफी नहीं है। आपको कम से कम 100 वीडियो बनाकर रखने होंगे कि आप आपके चैनल को अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है, अगर आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी का कौन सा भी कंटेंट लेकर यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए सब्र ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, और सब्र के साथ कड़ी मेहनत ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप समझ जाइए कि आने वाले वक्त में आप एक बेहतर यूट्यूबर बन जाओगे। मैंने कम से कम 100 वीडियो कहा क्योंकि अगर कोई छात्र आपके वीडियो देखना शुरू करता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए उस छात्र को, उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक कामयाबी पाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त सामग्री हो, ये बहुत ही जरूरी होता है। जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर कम से कम 100 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर होने चाहिए, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बेहतर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो आपको आपके वीडियो की शुरुआत करने से पहले या एक दो वीडियो बनाकर कुछ ऐसे वीडियो की समीक्षा करने वाले लोगों से जाकर मिलना चाहिए जो आपको आपके वीडियो की गुणवत्ता, आपको आपके वीडियो की क्वालिटी या आपको कोई एडवाइस दे सके या आपके वीडियो कैसे बेहतर हो सकते हैं। इससे दोस्तों, किसी भी काम में, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए आप रातों रात या एकदम से अचानक से सफलता पा नहीं सकते या कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आपको जब आपके 100 वीडियो प्रदर्शित हो जाते हैं, आपके 100 वीडियो अपलोड हो जाते हैं, तो आपको प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। आप सफल हो सकते हो अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हो। कम से कम 3 महीने तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए कि आप आपके YouTube चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, आप ग्रो कर पा रहे हो या नहीं, आपका चैनल कैसे चल रहा है। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान रखते हो, इस सभी चीजों के बारे में सोचते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले वक्त में आप एक बेहतर, अच्छे टीचर, शिक्षक और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाने वाले क्रिएटर, आप एक सच्चे शिक्षक हो। अगर आप चाहते हो कि आपके विद्यार्थी एक बेहतर सफलता पा सके, जिंदगी में आगे बढ़ सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बारे में जरूर सोचोगे कि आपको एक YouTube चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए, उस पर आपके वीडियोस अपलोड करने चाहिए। अगर आप एक सच्चे शिक्षक हो तो इसके बारे में जरूर सोचोगे। अगर आप एक शिक्षक हो तो आप ये बात अच्छी तरह से समझते हो कि जिंदगी में यूट्यूबर रहे या ना रहे, यूट्यूबर के वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब चैनल पर रहते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपको आपके छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि पेपर पर पढ़कर सीखने से ज्यादा इस आज के इंटरनेट के वक्त में विद्यार्थी वीडियो में देखकर सीखना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपके YouTube चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें सच्ची लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके विद्यार्थियों को भी कह सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारत देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतर कंटेंट मैं बहुत ही सीधी सादी आसान सी भाषा में इस चैनल पर अपलोड करता हूँ डेली, और ये बहुत ही फायदे की चीज है, फायदेमंद बात है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए और हर इंसान के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। गुड बाय।